में दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन और सिपाही शहीद, दो हेलकार जख्मी। कैप्टन सबी और सिपाही नवीद वतन पर कुर्बान हो गए। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। वतन के सपूतों ने अमन दुश्मनों की कमीनगाहों का भी सफाया कर दिया। भीगी बिल्ली, भारत के सर पर जंगी जुनून सवार। एलओसी पर आज फिर इश्तियाल अंगेजी। शहरी आबादी पर बारूद बरसा दिए। 13 साल बच्ची शहीद, भाई और वालिदा शदीद जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज का भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियां तबाह कर दी। 2020 का पहला सूरज ग्रहण, सखर में रिंग ऑफ फायर का नजारा। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तकरीबन मुकम्मल ग्रहण लगा। दिन रात में बदल गया, कराची में भी सूरज गहना गया। लाहौर में चांद और सूरज का आमना सामना। इख्तिताम पर बादल छाए रहे। ऑस्ट्रेलिया से यूरोप और बहरे ओकियानूस तक ग्रहण देखा गया। अहले ईमान रब के हुजूर सजदा रेज, नमाज कसूफ अदा की। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज रवा साल का तवील तरीन दिन था। इतवार का दिन 14 से 15 घंटे पर मुहित था। पीर से दिन का दौरानिया कम और रातें लंबी होना शुरू हो जाएंगी। बानी एमक्यूएम को लोगों का खून चाहिए, भारत उससे पैसे देता है। अपने आकाओं के कहने पर सिंधु देश के साथ गठजोड़ कर लिया। इमरान फारूक को भी मुतहदा के बानी ने कत्ल कराया। हमारे आने के बाद शहदा कब्रिस्तान में ताले पड़ गए। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में लॉकडाउन, बाजार मार्केटें बंद, फिर बिजली चली कहां गई। शहर कायद के मकीन गर्मी से निठाल। आइसोलेशन में बैठे मरीज भी बेहाल। फर्निस ऑयल की कमी के बायस मुश्किलात पेश आ रही हैं। के इलेक्ट्रिक ने नई कहानी सुना दी, लोड शेडिंग कुछ दिन मजीद बर्दाश्त करना होगी। पाकिस्तान एक बड़े आलम दीन से महरूम हो गया। जामिया बनौलिया के मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद नईम कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुफ्ती मोहम्मद नईम के शागिर्द और चाहने वाले गम से निढाल। कोरोना के हौलनाक हमले आज भी 119 अफराद की जान ले गया। मुल्क में मरने वालों की तादाद 3,500 हो गई। 5,000 के करीब नए मरीज रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 1,76,617 हो गई। सिंध में 67,000, पंजाब में 65,000 से ज्यादा मरीज। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी अबतर। कोरोना रोकने का मिशन, वफाकी वजीर असद उमर मैदान में आ गए। हुकूमती टीम का शहर इक्तदार में अस्पतालों का दौरा। ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। असद उमर ने कहा कि जुलाई में बड़े अस्पतालों को 2100 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए जाएंगे। मुआवन खसूसी सफर मिर्जा बोले, वबा से बचने के लिए अवामी मकाम पर मास्क का इस्तेमाल लाजिम है। शहरी हजूम वाली जगहों पर 6 फिट का फासला रखें। बिलावल ने लीडरिंग के अस्पताल का जिक्र किया था जिना हॉस्पिटल के साथ। मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा, जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ मेरे सरों के ताज हैं। सन के अस्पतालों में अंधेरे और गंदगी की हुक्मरानी है। लेडिंग रेडिंग अस्पताल का जिना अस्पताल से मवाजना किया जाए। बिलावल भुट्टो को तिबी अमले में तफरीक नहीं करनी चाहिए थी, तमाम डॉक्टर्स हमारे सरों का ताज हैं। अजमल वजीर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा बातें करने वाले कबायली अजला से मुतालिक वादे पूरे करें, NFC अवार्ड का हिस्सा देंगे। बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर शहबाज गिल, जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत जार मंजर आम पर ले आए। वीडियो पैगाम में कहा, यहाँ कोरोना तो दूर, किसी आम मर्ज का इलाज भी मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को सदियों पीछे धकेल दिया। इमरान खान की नजरों में हीरो बनने का शौक।
शहबाज गिल अवाम को गुमराह करने के लिए गैर फाल अस्पतालों में गए। जैकबाबाद के मरकजी अस्पताल जाते तो बेहतर मंजर कशी कर सकते थे। नासिर शाह का जवाबी वार। बीएनपी रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हुकूमती वफ से होने वाली मुलाकात का बताया सरबराह। जेयूआई ने कहा जाली हुकूमत को घर भेजना होगा, वक्त आ गया है हुकूमत की दीगर इतिहादी जमातों भी कलमाए हक बुलंद करें। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, 89,23,000 केसेस रिपोर्ट, 4,67,000 अफराद जान की बाजी हार चुके। अमेरिका में हलाकतें 1,22,000 हो गई। ब्राजील में भी मौत का रक्स, 50,000 दुनिया छोड़ गए। बरतानिया, ईरान, रूस और भारत में हजारों अमवात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह, कोरोना के 22 नोडेरों में मुख्तसर तकरीब। भुट्टो की बेटी को जियालों का खराज अकीदत। बीबी शहीद की आमरों के खिलाफ डट जाने और आइन की बहाली के लिए जिद्दोजहद याद है। मिशन जारी रखूंगा, बिलावल जरदारी का पैगाम।